हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने MG Aster को अलग अलग कार्स के साथ कंपेयर किया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम अगेन MG Aster स्टाइल को, जो कि MG Aster का बेस वेरिएंट है, इसको मारुति सुजुकी S-Cross Zeta के साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कोई एक विनर, और साथ ही साथ इन दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, अंत तक कहीं मत जाइए। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो सकें। और आप लोगों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। मेरी उम्मीद से ज़्यादा आप तमाम भाई लोग मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, और ये सपोर्ट इसी तरह हमेशा बरकरार रखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दोनों ही गाड़ियों की प्राइस बता देता हूँ। तो जहाँ MG Aster स्टाइल की प्राइस है 9,78,000 रुपये एक शोरूम, तो वही मारुति S-Cross Zeta की प्राइस है 9,99,000 रुपये एक शोरूम। तो यहाँ हमें दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स की प्राइस जानने के बाद पता चलता है कि S-Cross Zeta Aster स्टाइल से 21,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। और अगर हम ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यही 21,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस 30 से 35,000 रुपये तक जा सकता है। तो क्या ऐसे में लगभग 30,000 रुपये बचा के Aster के स्टाइल वेरिएंट के साथ जाना ज़्यादा सही है, या 30,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके S-Cross Zeta का चुनाव ज़्यादा बेहतर है, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब हम यहाँ एक नज़र दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं Aster से। तो Aster की लेंथ आपको मिलेगी 4,323 mm की, विड्थ मिलेगी 1,809 mm की, हाइट मिलेगी 1,650 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,585 mm का। रही बात बूट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये दोनों चीज़ें अभी तक Aster की कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन MG Aster MG ZS इलेक्ट्रिक पर ही बेस्ड है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी कि MG ZS का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 177 mm और बूट स्पेस आपको मिलता है 470 लीटर, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 48 लीटर। वहीं S-Cross की लेंथ आपको मिलेगी 4,300 mm की, विड्थ मिलेगी 1,785 mm की, हाइट मिलेगी 1,595 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,600 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 180 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 375 लीटर का, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 48 लीटर की। तो आप यहां देख सकते हो कि Aster S-Cross से लेंथ में 23 mm लंबी है, Aster S-Cross से विड्थ में 24 mm चौड़ी है, Aster S-Cross से हाइट में 55 mm ऊंची है, Aster का बूट स्पेस S-Cross से 95 लीटर बड़ा है। दूसरी तरफ S-Cross का व्हील बेस Aster से 15 mm बड़ा है, S-Cross का ग्राउंड क्लियरेंस Aster से 3 mm ज़्यादा है, और रही बात फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो दोनों ही गाड़ियों की एग्जैक्टली बराबर है। अब फीचर्स की बात करें तो MG Aster का स्टाइल वेरिएंट इसका बेस वेरिएंट ज़रूर है, लेकिन अगर हम इसे फीचर्स के लिहाज से देखें तो ये बेस वेरिएंट कहीं से कहीं तक नहीं लगता। वहीं S-Cross का Zeta वेरिएंट इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है। दोनों ही गाड़ियों में आपको बहुत सारे कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, स्मार्ट की, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, ऑल 4 पावर विंडोज, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ऑटो AC, डे एंड नाइट IRVM, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, बूट लैंप, रियर वाइपर विद वॉशर, डीफोगर, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट्स रिमाइंडर, सीट बेल्ट्स प्रिटेंशनर्स विद फोर्स लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स वगैरह। ये सब वो फीचर्स हैं जो आपको दोनों ही गाड़ियों में कॉमन फीचर्स के तौर पर मिल जाते हैं। लेकिन इन्हीं कॉमन फीचर्स के साथ साथ इन दोनों ही गाड़ियों में कुछ यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे Aster स्टाइल में आपको LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, S-Cross Zeta में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना, क्रोम विंडो बेल्ट लाइन, डोर हैंडल्स विद क्रोम हाईलाइट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 10.1 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, S-Cross में आपको 7 इंच टच स्क्रीन सिस्टम ही मिलता है, रियर AC वेंट्स, PM2.5 फिल्टर, फोलो मी होम हेडलैम्प्स, 5 USB चार्जिंग पोर्ट्स, स्टीयरिंग मोड्स नॉर्मल, अर्बन एंड डायनामिक, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक वगैरह जैसे फीचर्स यूनिक मिलते हैं।
तो वहीं एस्क्रॉस जीटा में आपको मशीन कट एलॉय व्हील्स, फोग लैंप्स, रूफ रेल्स, रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर पावर विंडो विथ वन टच अप डाउन एंड एंटी पिंच फीचर, एस्टर स्टाइल में आपको सिर्फ वन टच डाउन का ही फीचर मिलता है, क्रूज कंट्रोल, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, एस्टर स्टाइल में आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विथ लैंप, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, टू ट्विटर्स, रियर पार्किंग कैमरा, नेविगेशन और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे फीचर्स यूनिक मिलते हैं। तो फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन बात अगर सेफ्टी फीचर्स की आती है तो यहां एस्टर का स्टाइल वेरिएंट ज़्यादा एडवांस मालूम होता है। अब इंजन्स की बात करें तो एस्टर में आपको एक 1.5 लीटर का VTI-TEC नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 110 PS और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं एस्क्रॉस में भी आपको एक 1.5 लीटर का K सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 105 PS और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। लेकिन एस्क्रॉस का जीटा वेरिएंट क्योंकि इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है इसलिए इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। एस्क्रॉस में आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन मिलता है, वहीं एस्टर के स्टाइल वेरिएंट के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब अगर क्रैश टेस्ट की बात करें तो एम जी एस्टर का अभी फ़िलहाल कोई क्रैश टेस्ट तो हुआ नहीं है, लेकिन एम जी एस्टर एम जी जेड एस ई वी का ही पेट्रोल वर्जन है एक तरह से और एम जी जेड एस ई वी को क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। वहीं एस्क्रॉस को भी क्रैश टेस्ट के दौरान 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। तो बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के मामले में दोनों ही कार्स काफ़ी अच्छी हैं। वारंटी की बात की जाए तो एस्टर में आपको 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है विथ रोड साइड असिस्टेंस। वहीं एस्क्रॉस में आपको सिर्फ 2 साल या 40,000 किलोमीटर तक की ही वारंटी मिल पाती है विच एवर इज अर्लियर। और तो और एस्टर के साथ मोरिज गैराजेस बायबैक स्कीम भी अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको 20,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके ये स्कीम को ख़रीदना होगा। और उसके अलावा एस्टर में कुछ मेंटेनेंस पैकेजेस भी हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों पर। शुरू करते हैं एस्टर के साथ। तो एस्टर की पहली और सबसे बड़ी खूबी है इसकी प्राइसिंग। एमजी ने एस्टर को इतनी एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च करके अपने कॉम्पिटिटर्स को चौंका दिया है। और इतना ही नहीं, कम प्राइस होने के बाद भी इसका बेस वेरिएंट आपको फीचर से भरपूर मिलता है। फिर एस्टर की दूसरी खूबी है इसमें मिलने वाली बायबैक स्कीम और मेंटेनेंस पैकेज, क्योंकि ऐसी कोई भी बायबैक स्कीम या मेंटेनेंस पैकेज आपको एस्क्रॉस के साथ नहीं मिलती है। एस्टर में मिलने वाली वारंटी भी इसकी एक खूबी है जो आपको 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर तक के लिए मिलती है। वहीं एस्क्रॉस में आपको सिर्फ 2 साल या 40,000 किलोमीटर तक की ही वारंटी मिलती है विच एवर इज अर्लियर। फिर एस्टर की अगली खूबी है कि ये आपको बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है जो आपको एस्क्रॉस में नहीं मिलते। वहीं अब अगर एस्क्रॉस की खूबियों की बात करें तो इसकी पहली खूबी है कि ये एक मारुति का प्रोडक्ट है और इस वजह से आपको पूरे इंडिया में कहीं भी सर्विस और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू तो रहेगा ही नहीं। वहीं एमजी अभी नई नई आई है इंडिया में तो इसका सर्विस नेटवर्क मारुति के मुकाबले 5% भी नहीं है फिलहाल। फिर एस्क्रॉस की अगली खूबी है इसमें मिलने वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन, क्योंकि एस्टर के स्टाइल वेरिएंट के साथ आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। वहीं एस्क्रॉस में जीटा वेरिएंट के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। फिर एस्क्रॉस का जो 1.5 लीटर के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो काफ़ी रिलायबल और ड्यूरेबल इंजन है। और अगर हम लास्ट में कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के लिहाज से भी बात करें तो एस्क्रॉस ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है कंपेयर टू एमजी एस्टर। तो ऐसे में कौन सी कार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आपको कौन सी कार लेना चाहिए इन दोनों में से? तो देखिए, अगर वैल्यू फॉर मनी के लिहाज से देखा जाए तो एम जी एस्टर स्टाइल एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है कंपेयर टू एस्क्रॉस जीटा, क्योंकि ये सस्ती भी है और फीचर्स भी बहुत ज़्यादा ऑफर कर रही है। मतलब एस्टर का बेस वेरिएंट देख के कोई ये इसे कह नहीं सकता कि ये बेस वेरिएंट है। और अगर आप शहर में रहते हैं जहां पर एमजी की डीलरशिप और वर्कशॉप है आपके नज़दीक, तो ऐसे में आप बेझिझक होकर एमजी एस्टर स्टाइल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, मतलब आपको कोई हेडक नहीं चाहिए सर्विस की या स्पेयर पार्ट्स की, तो आप एस्क्रॉस जीटा लीजिए। आपको आपके डिसीजन पर पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स आपको ज़रूर कम मिलेंगे इसमें, लेकिन इसकी हैंडलिंग और ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं, दूसरी मारुति की गाड़ियों की तरह बिल्कुल नहीं है।
तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन MG Aster Style एंड मारुति S-Cross Zeta। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।